हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी एंड रिफ्रेशिंग पोमेग्रेनेट जूस, अनार का जूस। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, जिससे कि मेरे आने वाले रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अनार का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम अनार को छील कर इसके दाने निकाल लेते हैं। इन दानों को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी अनार के दाने लिए हैं। अब हम एक मिक्सर का जार ले लेंगे और इसमें अनार के दाने डाल देंगे। अब हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आता है। अब इसे हमें ब्लेंड कर लेना है। 20 सेकंड के लिए हम इसे मिक्सर में ब्लेंड कर लेंगे और इस ब्लेंड किए हुए पल्प को हम एक छलनी में डालकर छान लेंगे। अब हम एक चम्मच ले लेंगे और एक चम्मच की मदद से हम सारे पल्प को छान लेंगे। इस तरह से चम्मच प्रेस करते हुए हम जूस को छान लेते हैं। अब इस जूस में हम शक्कर मिलाएंगे, तो यहाँ पर हम 1 से 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर मिलाते हैं, पाउडर शुगर। शक्कर मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो पल्प निकलता है फ्रेंड्स, इसे फेंकना नहीं है, इसे आप फेस के ऊपर एज ए स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं। अब इस जूस को हम एक ग्लास में निकाल लेते हैं। इसमें आप आइस क्यूब डालकर इसे ठंडा ठंडा सर्व कर लीजिए और इस फ्रेश रिफ्रेशिंग और हेल्दी पोमेग्रेनेट जूस को इंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।